हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर वन अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर वेयर आर इज टेंडिंग फ्रॉम वन टू एन। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप का थिंकिंग आना चाहिए कि जब भी हमें लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी टाइप का कुछ आता है और इस लिमिट के अंदर कुछ समेसन आर इज इक्वल टू वन से एन तक कुछ भी रैंडम समेसन दिया हुआ है आर और एन के फॉर्म में एंड वन बाय एन के फॉर्म में। ओके, तो या तो हम लोग अगर समेसन निकाल सकते हैं तब तो समेसन निकाल लेंगे उसके बाद लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर समेसन नहीं निकाल पाते हैं तो हम लोग किसी भी तरह इस समेसन को रिड्यूस करते हैं आर बाय एन एंड वन बाय एन के फॉर्म में। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक फंडा बताया गया है डेफिनेट इंटीग्रल में, वो फंडा ये है कि इस लिमिट को हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो आर बाय एन को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? एक्स से। वन बाय एन को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग? डी एक्स से। एंड समेसन को किससे रिप्लेस करना होता है? इंटीग्रेशन से। ये तीन चेंजेस लाने होते हैं, इससे क्या होता है ये वाला लिमिट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और हम इस लिमिट को किससे सॉल्व कर सकते हैं? इंटीग्रेशन से। तो अगर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? यहाँ पे हमने ऐसे सोचा कि ये जो लिमिट है, सपोज मैंने मान लिया कि दिस लिमिट इज इक्वल टू एल, तो एल का वैल्यू देखो एक मिनट क्या आ रहा है। इट इज़ कमिंग टू बी लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर टू द पावर वन अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर टू द पावर वन अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर टू द पावर वन अपॉन एन। ऐसे करके प्रोडक्ट कहाँ तक जाने वाला है? एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू द पावर वन अपॉन एन, और नीचे में है सिर्फ एन स्क्वायर। ओके, इस लिमिट को फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये जो सारे नंबर्स हैं, अब सोचो अगर ऐसा हो ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, तो इसको हम लोग हमेशा ए बी टू द पावर एम लिख लेते हैं, है ना। और ऐसा हो अगर ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम इंटू सी टू द पावर एम, अगर सारे के पावर सेम हो तो इसको ए बी सी टू द पावर एम लिख सकते हैं। ओके, अगर इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया तो मुझे दिख रहा है कि न्यूमरेटर में सारे टर्म्स के पावर क्या हैं? वन अपॉन एन। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल टू द पावर वन अपॉन एन, और नीचे कितना आ गया? एन स्क्वायर। ओके, अगर मैं इस एन स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर ले जाना चाहूँ, मतलब सपोज इस टाइप का है कुछ रूट टू बाय, या ऐसा है रूट ऑफ एक्स बाय टू, और इस टू को मैं रूट के अंदर ले जाना चाहूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? ये लिखा हुआ है रूट एक्स बाय टू स्क्वायर। बेसिकली क्या करना होता है, ये जो बाहर वाला नंबर है इस पे जो भी रूट है nth रूट है तो पावर उतना लेके चले जाओ। मतलब सपोज अगर मेरे पास क्यूब रूट ऑफ एक्स है डिवाइडेड बाय टू है, तो इसको क्यूब रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या लिख देंगे? एक्स डिवाइडेड बाय टू क्यूब। ओके, तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे? दिस कैन बी रिटन एज एल विच इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर टू द पावर एन, डेट इज एन स्क्वायर पे पावर टू एन होल टू द पावर एन। अच्छा, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, एन स्क्वायर टू द पावर टू एन का मतलब क्या होता है कि एन स्क्वायर का पावर कितनी बार ऐड हो रहा है? तो मैं बोलूँगा एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर कितनी बार जाएगा? बेसिकली एन टाइम्स जाएगा, तभी एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर, तभी ये एन स्क्वायर टू द पावर एन आएगा। ओके, एन स्क्वायर टू द पावर टू एन को हम लोग एन स्क्वायर टू द पावर एन भी लिख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ।
दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मुझे दिख रहा है ये टोटल एन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं न्यूमरेटर में, तो मैंने क्या किया इस एन स्क्वायर को एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाय ओके। सो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट मान लिया। सिमिलरली एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, इसको अलग ब्रैकेट मान लिया। एन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, इसको अलग ब्रैकेट मान लिया। इसी तरह एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, इसको अलग ब्रैकेट मान लिया होल टू द पावर वन अपॉन एन। अब हमें क्या करना होगा, इस पावर को अगर ये प्रोडक्ट है और इसको समेशन में चेंज करना है, सपोज मेरे पास नंबर से एक्स वाई जेड और इसको समेशन में चेंज करना है, तो क्या लेना होता है लॉग। जैसे ही लॉग लोगे लॉग एक्स वाई जेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड में। ओके तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूँगा दोनों साइड लॉग ले लूँगा। जैसे ही दोनों साइड लॉग लूँगा इक्वेशन रिड्यूस होके बन जाएगा लॉग ऑफ एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी लॉग ऑफ ये पूरा का पूरा वैल्यू एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होल टू द पावर वन अपॉन एन। अब लॉग का एक बेसिक प्रॉपर्टीज है क्या, कि लॉग ए टू द पावर एम बेस बी कैन बी रिटन एज एम इंटू लॉग ए बेस बी। ओके तो हमने देखा कि लॉग समथिंग टू द पावर वन अपॉन एन है, तो ये वन अपॉन एन कहाँ जाएगा बाहर। जैसे ही इधर हम लोग बाहर निकालेंगे इसको, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी वन अपॉन एन, और लॉग ऑफ समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से मैंने इसको ऐसे लिखा, दिस कैन बी रिटन एज समेसन लॉग ऑफ एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर वेयर आर इज इक्वल टू वन टू एन। अच्छा मैंने समेसन के फॉर्म में लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि लॉग ए बी सी डी लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी इस टाइप का होता है। अब वन से लेकर के एन तक मूव हो रहा था आर, तो आर को वन से एन तक मूव करवा दिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी वन अपॉन एन इंटू समेसन आर इज इक्वल टू वन से एन लॉग ऑफ एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर वन होता है प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर को लिखा जा सकता है आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। वाओ जो हमें चाहिए था बेसिकली उसी फॉर्म में हमारा लिमिट आ गया। मैंने क्या बोला था कि आर अपॉन एन को किससे रिप्लेस करेंगे एक्स से, वन अपॉन एन को किससे रिप्लेस करेंगे डी एक्स से, एंड समेसन को किससे रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन से। ओके तो हमने रिप्लेस कर दिया। जैसे ही रिप्लेस करेंगे हम लोग, हमारे पास आएगा लॉग एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एन को डी एक्स लिख दिया समेसन लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, क्यों, क्योंकि समेसन में लिमिट लगा हुआ है आर इज इक्वल टू वन से एन तक। सोचो जब आर वन को जा रहा होगा तो आर अपॉन एन कहाँ को जा रहा होगा, तो वन अपॉन एन को, लेकिन हमें पता है एन किधर को जा रहा है इन्फिनिटी को। अगर एन इन्फिनिटी को जा रहा है तो वन अपॉन एन कहाँ जा रहा है जीरो को, इसका मतलब लोअर लिमिट कितना इंटीग्रेशन का जीरो। सिमिलरली अगर आर एन की तरफ जा रहा है तो आर अपन एन कहाँ जा रहा है एन अपन एन की तरफ, एन अपन एन कितना होता है वन, इसका मतलब इस टाइम पे ये वैल्यू किधर जा रहा है वन की तरफ। तो हमारा लिमिट आ गया जीरो टू वन। अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। सिर्फ अगर लॉग का इंटीग्रेशन करना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमें पता होना चाहिए हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
हमें याद होगा जब लॉग एक्स का हमने इंटीग्रेशन किया था तो हमने एक फंक्शन किसको माना था, वन को। अच्छा, इंटीग्रेट करना किसको आसान होता है, वन को, इसलिए इसको क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन। और जिसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं होता है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, हमने क्या किया, एक नया फंक्शन वन माना और एक फंक्शन माना लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन किसको माना हमने, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर को। सेकेंड फंक्शन किसको माना, वन को। क्यों, क्योंकि वन का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होता है। तो हमने बोला लॉग एल विल बी इक्वल टू 0 से 1, तो इंटीग्रेशन चल रहा है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, इस पे लिमिट लग गया 0 से 1, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैं बोलूँगा 1/1 + x² एंड चेन रूल लगेगा, तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो लॉग 1 + x² का डिफरेंशिएशन इतना आया। तो बाय पार्ट्स क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि एक्स आएगा का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो ये वाला टर्म आ गया। अब मुझे इतना पता चला कि लॉग एल इज इक्वल टू, इसमें जब लिमिट रखेंगे तो 1 log 1 + 1 - 0, ये वाला पहला वाला टर्म तो रिड्यूस हो गया। माइनस हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, अब 0 से 1, 2 को बाहर निकाल लिया, x² / 1 + x² का। x² / 1 + x² का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो 1 + - करते हैं। ओके, तो बोला गया लॉग एल इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना आएगा, log 2 माइनस 2 टाइम्स 0 से 1, इसको लिख दिया x² + 1 - 1 / x² + 1। ओके, dx, इससे क्या सिंप्लीफाई हो गया, दिस कैन बी रिटन एज लॉग एल विच इज इक्वल टू log 2 - 2 times 0 से 1 इंटीग्रेशन 1 - 1/1 + x² dx। ओके, अब ये इंटीग्रेशन तो बहुत ही ईजी हो गया। इसमें बोला गया लॉग एल इज इक्वल टू log 2 - 2, बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं बोलूँगा x माइनस 1/1 + x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x। ओके, ये सिंपल, इस पे लिमिट कितना लगेगा, 0 से 1। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग एल विच इज इक्वल टू log 2 - 2 times, अब 1 रखेंगे तो ये आएगा 1 - tan इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4। और 0 रखने पे आएगा 0 - tan इनवर्स 0 जो कि 0। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग एल विच इज इक्वल टू log 2 - 2 times 1 - π/4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मैंने बोला लॉग एल माइनस लॉग टू कैन बी रिटन एज -2 + π/2 विच इज इक्वल टू π/2 - 2 बेसिकली। ओके, सो लॉग एल माइनस टू, लॉग टू कैन बी रिटन एज log L/2 विच इज इक्वल टू π/2 - 2। सो वी कैन से डैट L/2 कैन बी रिटन एज e^π/2 - 2। ओके, सो वी कैन से डैट एल विल बी इक्वल टू 2 × e^π - 4/2। तो अपना आंसर जो लिमिट का आ गया फाइनली एल, ये आ गया 2 × e^π/4 - 2। तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ कि ये जो एक क्वेश्चन था इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हुए। तो सबसे पहले हमें क्या सोचना पड़ा कि ये जो लिमिट है इसमें कैसे लिमिट हम लोग इवेलुएट करेंगे। तो मुझे पता चला कि ये जो लिमिट है इसको समेशन वो वाला r/n वाला, 1/n वाला और समेशन वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन से लिमिट निकालना होगा। तो इसको मैंने सबसे पहले रिड्यूस करना चाहा समेशन के फॉर्म में, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में था, उसको मैंने थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन किया, उससे मुझे ये समेशन के फॉर्म में आया। समेशन के फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद मुझे पता चला ये वाला कॉन्सेप्ट कि r/n को x से रिप्लेस करना है, 1/n को dx से और समेशन को इंटीग्रेशन से। उसके बाद हमने जैसे ही रिप्लेस किया तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन।
अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे पता चला कि सिर्फ लॉग का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए एक फंक्शन मैंने वन मान लिया। अब उसके बाद मुझे क्या लगाना पड़ा, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स का मुझे फार्मूला याद होना चाहिए, तो मैंने बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाया, तो वहाँ से मेरा इंटीग्रेशन आ गया। उसके बाद एक इंटीग्रेशन ये बन के आया। यहाँ से मुझे एक और पता चला बेसिक मैनिपुलेशन की, प्लस और माइनस वन करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। उससे क्या हो गया, ये वाला इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो गया और हमने इंटीग्रेट किया। एंड लॉग का बेसिक प्रॉपर्टीज यू क्या यहाँ पे यूज़ किया कि डैट इज़ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बाय वाई, और वहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया एल का।